यूपी विधानसभा चुनाव के सातवें व अंतिम चरण का मतदान शुरू हो गया है। अंतिम चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र सहित 9 जिलों की 51 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 2.06 करोड़ मतदाता 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सातवें चरण के लिए चुनाव आयोग ने 12,000 से अधिक मतदान केंद्र और 23,000 से अधिक मतदेय स्थल बनाए हुए हैं। चुनाव परिणाम 10 मार्च को आएगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में सातवें चरण की 51 में से 29 सीटें बीजेपी को और अपना दल एस को 4 और बसपा को 3 सीटें मिली थी। वहीं सपा को 11, बसपा को 6 और निषाद पार्टी को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा बीजेपी नहीं बल्कि सपा के साथ है, जबकि निषाद पार्टी का भाजपा से गठबंधन है। बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की परीक्षा भी इसी चरण में होगी। आजमगढ़ और जौनपुर जिले को सपा का गढ़ माना जाता है, तो मऊ और गाजीपुर में उसके सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के प्रमुख संजय चौहान का असर है। वहीं बाकी जिलों में बीजेपी और उनके सहयोगी दल अपना दल और निषाद पार्टी का प्रभाव माना जाता है। सभी की नज़र छोटे दल के प्रदर्शन पर है। इस चुनाव में छोटे दलों का प्रदर्शन न केवल बड़ी पार्टियों को मजबूती प्रदान करेगा बल्कि उनका भी राजनीतिक भविष्य तय करेगा। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस के दिग्गजों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। सातवें चरण में ही योगी सरकार के 7 मंत्री चुनाव मैदान में हैं। इनमें 1 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर वाराणसी की शिवपुर सीट से फिर किस्मत आजमा रहे हैं। स्टाम्प और निबंधन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल वाराणसी उत्तर, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण, आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश यादव जौनपुर, ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल मिर्जापुर की मड़िहान सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य मंत्री संगीता बलवंत गाजीपुर के सदर और संजीव गोंड सोनभद्र के ओबरा से मैदान में हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे दारा सिंह चौहान विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मंत्री पद से त्याग पत्र देकर भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वो मऊ की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। पूर्वांचल ही नहीं बल्कि समूची यूपी के लोगों की निगाह टिकी है पूर्वांचल के उन बाहुबली और दबंग नेताओं पर जिनकी तूती पिछले कई विधानसभा चुनाव से बोल रही है। वो क्षेत्र में खुद उतरे या नहीं, पर उनका प्रभाव वैसे ही काम करता है। इसमें से कुछ तो इस बार भी जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत बेटों को या तो सौंप दी है या बेटे ने खुद हासिल कर ली है। बाहुबली मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद हैं। मऊ विधानसभा सीट से वो अब तक के अजय विधायक हैं, लेकिन इस बार उन्होंने राजनीतिक विरासत अपने बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दी है। अब्बास सुभाषपा के टिकट पर सपा गठबंधन से प्रत्याशी है। वहीं मुख्तार के बेटे भाई सिबकतुल्ला अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी सपा के टिकट पर गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उधर केंद्रीय कारागार वाराणसी में बंद बाहुबली एमएलसी ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह चंदौली की सैयद राजा सीट से मैदान में हैं। भदोही जिले की ज्ञानपुर से बाहुबली विजय मिश्र चुनाव मैदान में हैं, जो आगरा जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू के टिकट पर बाहुबली धनंजय सिंह जौनपुर जिले की मल्हानी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से पूर्व सांसद रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। रमाकांत की छवि भी दबंग नेता की है, सपा को उनसे काफी उम्मीदें हैं। वहीं वाराणसी की पिंडरा विधानसभा सीट से दबंग छवि वाले अजय राय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। DNH 0 की रिपोर्ट।